पे जाना है, वहाँ से ऊपर चढ़ाई में चढ़ना है, वहाँ पे ये जवानी पिक्चर की शूटिंग हुई है। तो अंकल वो तो अब तक हम समझते हैं कि वो मनाली में शूटिंग हुई है। नहीं, मनाली का भी सीन है, मढ़ी का भी है, बट यहाँ का भी है जरूरी टॉप का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। एंड आज मे बी मेरा 1 month का स्टे इन मनाली में मेरा लास्ट वीकेंड है यहाँ पे। सो लास्ट वीकेंड में आई एम प्लानिंग टू गो टू जीबी एंड जीबी तीर्थम वैली बंजार, वो जगह एक्सप्लोर करनी है। एंड वहाँ पे है क्या क्या अच्छी जगह प्लेसेस विजिट करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन तो आई डेफिनेटली गिव यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड लेट्स गो फॉर इट। हाय पीपल, अभी लाइक मैं फुली पैक्ड हूँ क्योंकि मैं लाइक बाइक पर ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये फुल हेलमेट वगैरह ये सब कुछ है एंड ये सब कुछ मैंने बिल्कुल कवर किया हुआ है। सो बात ये है कि हम आई गेस हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है और अभी 1.5 घंटे का जर्नी और रह गई है जीपी तक पहुँचने के लिए। सो बस 1.5 घंटे की और बात है, पहुँच जाएंगे जल्दी अभी हम, बाकी फिर पहुँच के ही हम बात करते हैं। सो माई फ्रेंड्स, मनाली से जीबी के लिए हमें कम से कम 3 या 4 घंटे लगते हैं, चाहे आप बाइक पे जाओ या कार पे जाओ। अगर बीच में आपको हाईवे पे ट्रैफिक मिलेगा जो कि कुल्लू मनाली हाईवे पे नॉर्मली मिलता है, तो आपको लेट भी हो सकता है, तो आप टाइमिंग अपनी देख के जाइएगा। एंड हमारा जो जीबी का है स्टे वो सिर्फ 1 दिन का रहेगा बिकॉज मैं आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मेरा सिर्फ 1 day का स्टे है। बट आई विल डेफिनेटली टेल यू कि वहाँ पे कौन कौन सी जगह है मस्ट विजिट है और आपको मिस नहीं करनी, और आप कम से कम 3 दिन का स्टे प्लान करके चलिएगा। हाय गाइस, सो फाइनली आई हैव रीच्ड जीबी और जीबी में हमने यहाँ पे स्टे लिया है हॉस्टलर में। तो हॉस्टल का वही, जैसे आपको पता है कि मैं हॉस्टल में स्टे करती हूँ, जिसका डोम का एक जो प्राइस होता है पर डे के अकॉर्डिंग लगा लीजिए 500 rupees तक। तो यहाँ पे भी हॉस्टलर है यहाँ पे जीबी में, तो मैंने हॉस्टल ही बुक किया है, एक अपने लिए डॉम में एक बेड की बुकिंग की है जिसका प्राइस 500 rupees था। सो अभी पूरा फ्रेश हो चुकी हूँ नहा धो के एंड हम पहुँचे थे अराउंड 1 बजे के अराउंड। एंड लगा लीजिए कि अगर हम सुबह मनाली से 7 o'clock चल रहे हैं तो हम जीबी 1 बजे पहुँचे हैं। तो और हम बीच में हमने कहीं पर रुके नहीं थे, तो इतना टाइम लगता ही लगता है क्योंकि यहाँ की रोड्स इतनी ठीक नहीं है, रोड्स यहाँ पे ख़राब है। सो बाकी आप यहाँ से पूरी जीबी वैली का व्यू देख सकते हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जीबी को देखने के लिए, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। और यहाँ से हॉस्टलर से, जो हॉस्टलर की प्रॉपर्टी है, यहाँ से जलोरी पास इस्सेट पड़ता है, इट इज़ अराउंड 6 kilometers अवे। और नीचे यहाँ पूरी यहाँ जीबी का मार्केट है यहाँ पे। तो जो हॉस्टलर की प्रॉपर्टी अगर कोई यहाँ चाहता है बुकिंग करने के लिए, तो यहाँ एक चीज़ ये है कि दिस इज़ लाइक नॉट इन जीबी, ये पूरा जीबी में नहीं पड़ता है, थोड़ा वहाँ से 6 kilometers ऊपर है और 6 kilometers से थोड़ा और आगे जाके हमारा आता है जलोरी पास। तो फिलहाल हम जा रहे हैं जीबी में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए। तो बाकी मैं एक आपको ये जो हॉस्टलर है यहाँ पे, यहाँ की प्रॉपर्टी का आपको छोटा सा टूर करा देती हूँ, रूम का एक छोटा सा टूर करा देती हूँ। तो आप यहाँ के रूम्स में देख लीजिए कि आपको किस तरह की सर्विस यहाँ पे मिलेगी अगर आप यहाँ पे आएंगे। सो ये है हॉस्टलर के डॉर्म का व्यू यहाँ से, तो यहाँ से एंट्री एंड ये पूरे यहाँ के डॉर्म्स हैं। और ये है यहाँ का वॉशरूम, अभी लाइट नहीं है बट हाँ वॉशरूम बहुत क्लीन है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। और ये रहे यहाँ के बेड्स। तो जो ये डॉम है वो दिस इज़ लाइक अ विद अ बालकनी व्यू, तो यहाँ से ये पूरी बालकनी का व्यू आता है। एंड ये लाइक आपको पूरे बेड यहाँ पे मिल सकते हैं। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर जीबी वाटरफॉल एंड इट इज़ अराउंड 6 kilometers फ्रॉम द हॉस्टलर प्रॉपर्टी। सो द जीबी वाटरफॉल हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंट्रेंस एंड यू हैव टू क्रॉस ओवर फ्रॉम वेरियस प्रिटी ब्रिजेस टू रीच टू द मेन पॉइंट ऑफ द वाटरफॉल।
So just a small request from me to all the travelers and all the viewers watching out there. If you are like coming here, then please do not throw the garbage and just maintain the beauty and the decorum of this place as it is. And just enjoy the view now from the Jibe waterfall. Okay, so after the waterfall, now I am going to Jalori Pass. But don't worry, I am not exploring the whole Tirthan Valley because जैसे ने बताया कि I have only one day. तो मैं आपको लास्ट के वीडियो में के लास्ट में बता दूंगी कि कौन कौन सी जगह है जो आपने मिस नहीं करनी है. तो लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी. अभी चलते हैं जलोरी पास. गाइस, जलोरी पास की हाइट इज़ अराउंड 10,000 फीट अबव सी लेवल. एंड इतनी स्नो देखने को मिली थी यहाँ पे. इतनी स्नो, जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है ना कि बस आपका आना ज़रूर बनता है. आप देखिए छोटे छोटे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं. सो नेचर एट इट बेस्ट मैंने वो विटनेस किया था यहाँ जलोरी पास में. हाय गाइस, सो इतना सुंदर रास्ता कवर करने के बाद वी आर फाइनली एट जलोरी पास. और जलोरी पास का सफ़र बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिल रही है. सो जलोरी पास जब आप पहुँच जाते हो, यहाँ से आपको एक सुंदर सा मंदिर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप सनसेट को भी इंजॉय कर सकते हो. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर. दिस इज़ अ टेम्पल. सो गाइस, वो जो रास्ता था वहाँ पे जो मैंने आपको टेंपल दिखाया, उसके साथ से सिरोसर लेक का जो ट्रैक है वो निकलता है. और इसको करने में आई गेस कुछ लग जाते हैं 3 to 4 hours. कुछ 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है ये. सो ऑब्वियसली अब मेरे पास टाइम नहीं है वो ट्रैक करने के लिए. बट हाँ, यहाँ पे आके आप जलोरी पास से सिरोसर लेक का ट्रैक कर सकते हैं अगर किसी ने वहाँ पे ओवरनाइट कैंपिंग करके स्टे करना है, या फिर जो 2 या 3 days के लिए जब भी तक अपना प्लान करेगा ट्रिप, सो दे कैन गो टू सिरोसर लेक. यहाँ पे मुझे यहाँ के लोकल से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी जो कि मुझे पहले नहीं पता थी. तो आइए सुनते हैं उनकी बात. 2 मिनट हो जाएगी, पानी ऑलरेडी तैयार है. ये हमारी मैगी रेडी है. ठीक है. हाँ हाँ बोल दो. ये जलोरी पास है, यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर दूरी पे जाना है. वहाँ से ऊपर चढ़ाई में चढ़ना है. वहाँ पे ये जवानी पिक्चर की शूटिंग हुई है. तो अंकल, वो तो अब तक हम समझते हैं कि वो मनाली में शूटिंग हुई है. नहीं, मनाली का भी सीन है, मड़ी का भी है, बट यहाँ का भी है जलोरी टॉप का. तो यहाँ पे वो जो सीन होगा जो जहाँ भैरव मंदिर का ऊपर चढ़ता है वो. हाँ जी, भैरव मंदिर का लुगड़ी वाला. हाँ लुगड़ी वाला. हाँ जी, सुबह 3 बजे यहाँ से निकलते थे वो. अच्छा. कई बार 3 बजे जाते थे. यहाँ पर पूरी लाइटें फिट की थी यहाँ से जनरेटर से. अच्छा. और वेरी नाइस व्यू जलोरी टॉप. ओके, काली मंदिर जलोरी टॉप में ये एक और वहाँ पे. तो अब तक तो हम बेवकूफ बनते आ रहे हैं. हमें लगता था मनाली की शूटिंग है. नहीं नहीं, यहीं का भी है और मनाली का भी था. मनाली का भी है. 5 दिन यहाँ पे रुके वो लोग. अच्छा, 5 days का था यहाँ पे. 5 दिन यहाँ पे रुके और मतलब भैरव मंदिर वाला सीन आए. हाँ जी हाँ जी, भैरव मंदिर का. यहीं भी भैरव मंदिर, माँ काली मंदिर, भैरव मंदिर भी यहाँ पे है और शिवलिंग भी और हनुमान का. तो जैसे वो बोलते हैं मूवी में कि भैरव मंदिर पे जो विश मांगो पूरी हो जाती है, तो क्या वो होती है? वो होती है, जिस दिल से बोलोगे तो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं. सही है. थैंक यू सो मच आपने बताया ये सब. माय नेम इज पीसी ठाकुर. सॉरी, मैं पूरन चंद ठाकुर, पीसी ठाकुर जलोरी पास. थैंक यू सर, पीसी ठाकुर सर. लेकिन पूरा पता लगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ जाने के लिए. 5 किलोमीटर आगे सर लेक, 5 किलोमीटर माता बूढ़ी नागी मंदिर. ठीक है. वहाँ पे उस तालाब के बीच में बूढ़ी नागी. और भैरव मंदिर यहाँ से कितनी दूर है? वो बस यहीं साथ में. और ये यहाँ से 360.8 500 मीटर दूरी पे है ऊपर. ठीक है, तो मैं जाके देख के आती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. इतना अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लग रहा है? मैं तो आज तक समझती थी कि पूरी ये जवानी दीवानी की शूटिंग जो मनाली का सीन था वो सारा मनाली का ही है. बट मुझे तो अब पता लग रहा है कि उसमें से जो लुगड़ी वाला सीन था और जिसमें वो बोलती है कि ऊपर भैरव मंदिर के पास जाके सारी विश पूरी होती है, वो यहाँ का सीन है. सो इट्स लाइक अ सरप्राइज. तो अभी मैं यहाँ ट्रैक कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की वॉक है.
गाइस डू यू रिमेंबर द सीन फ्रॉम ये जवानी दीवानी जिसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर दोनों ऊपर ट्रैक करके भैरव के मंदिर पे आते हैं। सो मैं वहीं पे हूँ फिलहाल एंड दिस इज़ भैरव का मंदिर और जो मैं ट्रैक करके आ रही हूँ वहाँ का व्यू इज़ इनसेन, लिटरली इनसेन, दिस इज़ नॉट रियल। लेट मी शो यू। I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite. हेलो गाइस, तो आज हम जीबी में क्या करके आए हैं, हमने कवर किया हमारे जीबी की थोड़ी सी लोकल मार्केट जो यहाँ पे थी, देन वाटरफॉल एंड जलोरी पास। जलोरी पास के बाद जो ट्रैक किया एंड जो मैंने आपको शो किया कि वो ये जवानी दीवानी की जो यहाँ पे शूटिंग हुई थी उस मूवी की वो वाली लोकेशन, एंड जैसे मैंने बताया था आपको एक लेक का ट्रैक है वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है तो। Guys, here is the list for you, the locations that you should not miss while going to Tirthan Valley, and इसे आप अपनी itinerary में ज़रूर include कीजिएगा। Rest, अगर आपको video अच्छी लगी हो तो please video को like कर देना, channel को subscribe कर देना। I will see you in the next vlog. Thank you so much for watching it. Take care, bye, happy traveling.